टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन एंगल इज नेगेटिव। एंगल इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस वन है, रेडियस वन है तो यानी ये वन हो गया, ये वन हो गया, और ये एंगल है थीटा, और ये पी पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट मान लिया ए कॉमा बी, ये ओ हो गया। तो इधर यहाँ मैंने मान लिया क्यू, सेम इसी पॉइंट का अपोजिट यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, बी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी बी मेरा इधर है। तो अब इसको अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने ज्वाइन कर लिया और ये मैंने मान लिया एम है, तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी एम, तो आप ये देखो कि साइन थीटा अगर मैं निकालूँ तो साइन थीटा क्या होगा, ओ पी एम में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी पी एम ओवर हाइपोटेन्यूस यानी ओ पी। तो पी एम मेरा क्या है, पी एम मेरा बी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बी है। तो ये हो गया मेरे पास बी, और ओ पी मेरा क्या है, ओ पी मेरा रेडियस है विच इज़ वन, तो ये वन हो गया। तो साइन थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा मेरा बी हो गया। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि ये बी क्यों है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ये पॉइंट है 2, 3, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है और ये 2 है, और ये क्या है 1, 2 और ये 3 है, ऐसे। तो ये मेरा, आप अगर ध्यान दें, ये मेरा क्या है, ये मेरा रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ मेरी कितनी है, ये लेंथ 3 है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1, 2, 3, ये पॉइंट 3 है। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है ये मेरी 3 है। तो ये अगर 3 है तो ये भी मेरा 3 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट मेरा ए कॉमा बी है, अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट मेरा ए कॉमा बी है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरा बी होगा, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर है कि ये बी हमने क्यों लिया है। और ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना, 2, तो यानी जो ये वाला है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये ए होगा, ठीक है। तो अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया बी, तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ क्यू और एम, वहाँ से साइन माइनस थीटा निकालो। साइन माइनस थीटा क्या होगा, इस बार परपेंडिकुलर मेरा ये है, तो विच इज़ माइनस बी, तो माइनस बी ओवर रेडियस क्या है, ओ क्यू विच इज़ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस थीटा इज माइनस बी। तो इस माइनस को यहाँ ले आएँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि माइनस साइन माइनस थीटा इज बी, ये सेकंड है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये भी बी है और ये भी बी है। तो अब इस माइनस को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये ऐसे हो गया, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब अगर एंगल मेरा नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा साइन ऑफ माइनस 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू हम डाल जानते हैं 1/2 होता है,
ऐसे ही मैं कहता हूँ साइन ऑफ माइनस 60, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 क्या है, रूट 3/2, ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये है। तो ये तो था पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया साइन के लिए। अब कॉस की बात करते हैं दूसरा। तो अब फिर से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाला OPM में कॉस थीटा अगर हम देखेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस OM ओवर OP। तो इन ट्राइंगल OPM कॉस थीटा हमने बोला OM ओवर OP, और OM का मतलब क्या है, A, और AP मेरा रेडियस है, 1 हो गया, तो यानी कॉस थीटा की वैल्यू मेरी A आ गई, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हुई इसके लिए। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, ओ क्यू और एम, तो उसमें क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस थीटा होता है नीचे है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा बेस, बेस यानी ओ एम ओवर ओ क्यू, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम कॉस ऑफ माइनस थीटा, वो क्या होगा, फिर से ओ एम ओवर ओ क्यू, और ओ एम का मतलब क्या है, ए, और ओ क्यू मेरा क्या है, 1, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये सेकेंड हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कंक्लूड कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि कॉस में अगर नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कॉस ऑफ माइनस 30, तो इसको मैं कॉस 30 बोलूँगा, इसका माइनस बाहर नहीं आएगा, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जो भी ऐसा फंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन ये कह रहा हूँ fx, मेरे पास ये है x², तो इसमें अगर x की जगह मैं -2 डालूँगा तो वैल्यू क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4, तो वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें नेगेटिव वैल्यू डाल के भी रिजल्ट पॉजिटिव आए वो कहलाता है इवन फंक्शन। तो यहाँ से मैं कहूँगा x² इज इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन कौन से होते हैं, अगर मैं बोलूँ इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन वो है जिसमें इवन फंक्शन वो है जिसमें x की जगह माइनस डालने से, माइनस x अगर है फंक्शन में, वैल्यू माइनस x डाल दें तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर x की जगह माइनस x लिखूँगा तो क्या होगा, ये माइनस x का स्क्वायर, और माइनस x का स्क्वायर क्या होगा, x², फंक्शन सेम ही, तो वो कहलाता इवन फंक्शन, ठीक है। अगर इवन फंक्शन ये है तो ऑड फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होता है जिसमें x की जगह माइनस डालने से माइनस बाहर आ जाता है, वो कहलाता ऑड फंक्शन। तो ये आपका नोट हो गया। तो यहाँ से ये मेरा क्या है, माइनस डालने से प्लस ही आ रहा है, यानी मैं कहूँगा fx = cos x इज़ इवन फंक्शन, ठीक है। यानी कॉस जो होगा वो मेरा हमेशा इवन फंक्शन होता है, ठीक। जबकि साइन क्या हो गया, fx = sin x इज़ ऑड फंक्शन, ये ऑड है। तो अगर साइन मेरा ऑड है तो बाकी फंक्शंस की बात करें तो sec x क्या होगा, 1/cos x। तो अगर इसमें मैं माइनस डालता हूँ तो ये क्या हुआ, ये कॉस ऑफ माइनस x हुआ, यानी 1/cos x ही हुआ, यानी 1/cos क्या होता है, sec x। तो ये भी माइनस डालने से प्लस ही आ रहा है, तो अगेन मैं कह सकता हूँ sec x इज इवन फंक्शन। तो दो मेरे पास इवन फंक्शन हो गए, कौन से, एक sec x और एक cos x, ये और ये मेरे इवन है।
बाकी सब मेरे ऑड आएंगे, ये तो ऑड है ही, तो बाकी ऑड कैसे हैं चेक करो। देखो कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक ऑफ माइनस एक्स की बात करते हैं, कोसेक एक्स तो हमें पता ही है, कोसेक ऑफ माइनस एक्स इसका मतलब क्या, वन अपॉन साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब माइनस कोसेक एक्स, यानी कैसा फंक्शन हुआ, ऑड हुआ। ठीक है, तो यानी ये हुआ एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। पांचवा टेन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स, क्या लिखेंगे इसको, साइन ऑफ माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ऊपर से तो माइनस बाहर आ जाएगा, नीचे प्लस ही रहेगा ऐसे, तो क्या आ गया, माइनस टेन एक्स आ गया, यानी ये भी मेरा कैसा हुआ, ऑड हो गया। ठीक, फिर सिक्स्थ लास्ट इज कॉट ऑफ माइनस एक्स, तो कॉट क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ऊपर तो कॉस एक्स रहेगा, नीचे माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ओवरऑल माइनस कॉट एक्स हो गया, तो अगेन ये क्या है, ऑड। तो सिर्फ दो फंक्शन है जो इवन है, एक सेक एक्स और एक कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला था ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमने बोला था थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है। तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, और ये 270 हो गया, और इसको रेडियंस में लिखेंगे तो पाई बाई टू, इसको रेडियंस में लिखेंगे तो पाई, और इसको लिखेंगे 3π/2, क्योंकि हमने बोला पाई का मतलब क्या है, 180, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ गया, और इसको फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 270 हो गया। ठीक है, और वापस यहाँ पर ये 2π भी होता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस लाइन में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, ये अगर मेरा थीटा है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली। ऐसा क्यों, देखो जैसे मैंने बोला, सपोज़ ये 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे 60, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या आ रहा है, थीटा और 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ से ये हमें समझ में आया। अब 90 में कुछ भी मैं ऐड कर दूंगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, वो मेरा सेकंड में आएगा। ठीक है, ऐसी ये क्या है, ये है 270, यहाँ पर क्या है, 270 से कुछ भी अगर कम होगा तो वो इधर आएगा, यानी 270 माइनस थीटा हमेशा यहाँ पर आएगा, और कुछ भी अगर प्लस करेंगे तो 270 में प्लस थीटा करने से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और थीटा मेरा क्या है, यहाँ पर थीटा मेरा है 0 से लेके 90 तक में, तो ओवरऑल मुझे ये याद रखना है कि 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 270 माइनस थीटा है तो थर्ड होगा, और 270 प्लस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये मुझे याद रखना है। तो एक बात तो मुझे ये याद रखनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब दूसरी बात आप ये समझो, जब भी ऐसे होगा, जब भी हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा या 270 प्लस थीटा होगा, तो इसमें यू विल फाइंड चेंज। चेंज का मेरा मतलब क्या है, चेंज का मतलब है साइन, अगर आगे साइन लगाए तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस लगाए तो साइन में चेंज हो जाएगा, अगर टेन लगाए तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट लगाए तो टेन में चेंज हो जाएगा, सेक है तो वो कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक है तो सेक में चेंज होगा। जैसे कि
हमने क्लास टेंथ में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। यानी साइन किस में चेंज हो जा रहा है, कॉस में। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा बोला तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। यानी कॉस अब साइन में चेंज हो रहा है, तो वही हमने बोला साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन लगा तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंट के बेसिस पे अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स कह रहा हूँ। मैंने बोला साइन 150 की वैल्यू बताइए, तो साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60 ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो आप ये देखो कि 150 मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में है। 150 मेरा लाई करता है 90 और 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक क्वाड्रेंट क्या है और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि चेंज होगा या नो चेंज होगा। तो नो चेंज अभी हमने डिस्कस नहीं किया, चेंज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 90 प्लस थीटा है, दैट मीन्स चेंज होगा। तो चेंज होगा यानी कॉस 60 होगा, और क्वाड्रेंट क्योंकि फर्स्ट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस 60। और कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि ये रिजल्ट क्या आ रहा है, वो इसको देखने लग जाते हैं कि कॉस 60 हम बोल रहे हैं, तो कॉस 60 वो समझते हैं कॉस 60 तो सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस आ रहा है तो नेगेटिव होगा, तो आगे माइनस लगा देते हैं। हमें रिजल्ट क्या आ रहा है वो नहीं देखना, हमें देखना कि ये क्या लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक और देखो, मैं कहता हूँ टेन 150, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो पहले ही आप माइनस लगा दो, या फिर पहले रुको, अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो पहले मैंने इसको क्या लिखा, टेन 90 प्लस 60 लिखा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में पहले तो माइनस लगा दिया, क्वाड्रेंट देखा सेकंड है तो माइनस लग गया, और फिर ये देखा ये क्या है, चेंज। तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, और थीटा मेरा क्या है, ये कॉट 60, और कॉट 60 मेरा क्या होता है, 1/√3। बस ये मेरा आंसर आ गया। फिर अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ कि sec ऑफ 150, तो sec 150 क्या है, इसको लिखेंगे sec ऑफ 90 प्लस 60। तो 90 प्लस है तो चेंज होगा, किस में होगा, cosec 60 में, और क्वाड्रेंट सेकंड है तो आगे माइनस लग जाएगा। तो cosec 60 क्या होता है, रूट साइन का उल्टा, यानी 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3। बस ये आंसर आ गया। तो यहाँ से अब हम टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ये है 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इन सब में हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है कॉस थीटा होता ही है, या चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, 90 माइनस थीटा भी ले लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं π/2 माइनस थीटा, ये होता है π/2 प्लस थीटा, ये होगा 3π/2 माइनस थीटा, ये हो गया 3π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखो, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, अगर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है और सेक है और कोसेक है, इनकी वैल्यू निकालता हूँ। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी ऐसे पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा, आगे साइन लगा है, तो आगे मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर एक इसके लिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो रिजल्ट क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा,
साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ऐसे बन जाएगा। इसकी बात करें सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन और कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस है तो कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं फिर से बोलूँगा रिजल्ट क्या आ रहा है उसे मुझे नहीं देखना है, यहाँ क्या लगा मुझे ये देखना है, टेन 90 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, दैट विल बी माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, सिंपल। फिर अब इसकी बारी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो कैसे पढ़ेंगे, साइन 270 माइनस थीटा, ऐसे पढ़ेंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, टेन, अब थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन 270 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, और फिर सेक, सेक भी नेगेटिव होगा तो सेक 270 माइनस थीटा विल बी माइनस कोसेक थीटा, और बीच में छूट गया कॉट, कॉट है तो पॉजिटिव होगा टेन थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे साइन 270 प्लस थीटा, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर कॉस, कॉस पॉजिटिव आएगा, कॉस 270 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, ठीक है, और टेन ऑफ 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव टेन थीटा, एंड सेक, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा नेगेटिव होगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर बन गया, आंसर मतलब ये टेबल बन गई। तो यहाँ से थोड़ी सी आपको और अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी अभी तक, है ना। तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू बताइए साइन 240, तो साइन 240 को हम लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30। तो पहले तो 240 आप ये देखो किस किस के बीच में है, 240 है 180 और 270 के बीच में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे भी देख सकते हैं थर्ड, और 270 माइनस थीटा है तो हमने बोला ये थर्ड होता है, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं थर्ड। तो साइन ऑफ 270 माइनस 30 कॉस 30 हो जाएगा, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस हो गया, कॉस 30 का वैल्यू डल गया रूट 3/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ टेन 210 तो ये भी इसी में फॉल करता है, तो इसको हमने क्या लिखा, टेन 270 माइनस 60। तो फिर से क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन का पॉजिटिव ही आएगा, कॉट 60 आ जाएगा विच इज़ 1/√3। फिर अगर मैं कहता हूँ सेक ऑफ 210 तो ये हो गया सेक ऑफ 270 माइनस 60, तो क्या होगा, माइनस कोसेक 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस 2/√3, ठीक है। इसके बाद आ जाओ
फिर से ऐसे, ये हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ये हमने बोला ज़ीरो और टू पाई होता है यहाँ पे, यानी 360, और ये होता है 90 और पाई बाई टू, ये होता है 180 और पाई, और ये होता है 270 और 3π/2। तो अब अगर मैं बोलता हूँ इस लाइन के रिस्पेक्ट में, बोल रहे हैं अब हम ये लाइन, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो अगर 180 माइनस थीटा होगा तो वो ऊपर होगा। अगेन थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा 0 से लेकर के 90 के बीच में है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा बोलेंगे तो वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। और ये क्या है, 360 है, तो 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये है मेरा 270 से लेके 360 होता है, ठीक है। तो वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 360 में अगर मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पाई माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड में आएगा, 2π, टू पाई माइनस थीटा फोर्थ में होगा और 2π प्लस थीटा फर्स्ट में होगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ठीक है। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात, हमेशा 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा है, या 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा है, उस सिचुएशन में आपका नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब क्या है, ऊपर हमने बोला चेंज, तो नो चेंज का मतलब है साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, कॉट विल रिमेन कॉट, और sec will remain sec, और cosec will remain cosec, ऐसे, ठीक है। थीटा अभी हम कहीं नहीं लिख रहे हैं, तो ये होगा नो चेंज। यानी इसको आप ऐसे भी याद रखो, 180 का मतलब क्या है, 2 × 90, तो 90 में जब भी कोई इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो नो चेंज होगा। 360 का मतलब क्या है, 4 × 90, अगेन इवन मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर हमने क्या बोला था, 270 बोला था, 270 क्या होता है, 3 × 90, तो जब भी ऑड मल्टीप्लाई होगा तो चेंज होगा। दूसरा हमने क्या बोला था, 90 माइनस थीटा, तो 90 का मतलब क्या है, अकेला 90 यानी 1 × 90, तो ऑड नंबर हो रहा है तो चेंज होगा, और इवन हो रहा है तो नो चेंज होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम टेबल बना लेते हैं, 180 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा यानी 2π माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा यानी 2π प्लस थीटा। तो इसमें ये कौन सा है, सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और ये फर्स्ट है। क्योंकि फर्स्ट क्यों है, फर्स्ट इसलिए है, जैसे मैंने बोला ये एंगल मेरा थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से घूम के आऊँगा यहाँ तक, ये तो हो गया 360, तो 360 में फिर से थीटा ऐड करेंगे तो यही एंगल आएगा, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया साइन, फिर से कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो पहले इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, या फिर साइन पाई माइनस थीटा पढ़ेंगे। तो क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा साइन थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, बस नेगेटिव आ जाएगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा,
और sec, sec भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड में cosec पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव cosec थीटा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा, कॉस ये भी नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा, टैन ये पॉजिटिव तो प्लस टैन थीटा, कॉट ये भी पॉजिटिव तो प्लस कॉट थीटा, सेक ये भी नेगेटिव और कोसेक, कोसेक भी नेगेटिव, ठीक है ऐसे। फिर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा, कॉस ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा हो जाएगा, टेन ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक सेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोसेक कोसेक भी नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर इसकी बात करो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन क्या बनेगा, साइन विल बी फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, बस ये मेरी टेबल बन गई। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन को अगर मैं कह रहा हूँ साइन 120 डिग्री की मुझे वैल्यू बतानी है, तो इसको मैंने लिखा साइन 180 माइनस 60, तो पहले तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 120 मेरे कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है 90 से लेकर के 180 के बीच में है, तो साइन 180 माइनस थीटा दैट विल बी साइन थीटा, साइन 60 उसका वैल्यू डल गया रूट 3/2 ख़त्म। और अगर मैं कह रहा हूँ साइन 240, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने बोला कॉस 210, तो इसको लिख लिया कॉस 180 प्लस 30, तो ऊपर हमने कैसे किया था 270 माइनस 60, इस बार मैं 180 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या हो गया ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 30 एंड कॉस 30 इज रूट 3/2। अगेन अगर मैं कह रहा हूँ टेन 330, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको लिख लिया 360 माइनस 30, तो क्या आएगा माइनस 10/30 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये हो गया 1/√3 ऐसे, ठीक है।